बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास स्टूडियो वन के नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। एक ज़माने में बगदाद में एक पहलवान रहता था जिसका नाम जुनेद था। पूरे बगदाद में इस पहलवान के मुकाबले में कोई ना था। बड़े से बड़ा पहलवान भी इसके सामने ज़ेर था। क्या मजाल के कोई इसके सामने नज़र मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में इसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। उनको शाही पहलवान का खिताब मिला हुआ था। बादशाह की नज़र में इसका ख़ास मुकाम था। एक दिन जुनेद पहलवान बादशाह के दरबार में अराकीने सल्तनत के हमरा बैठा हुआ था कि शाही महल के सदर दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। खादम ने जाकर बादशाह को बताया कि एक कमज़ोर तवाना अजनबी शख्स दरवाज़े पे खड़ा है जिसका बसीदा लबास है। कमज़ोरी का ये आलम है कि ज़मीन पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। उसने ये पैगाम भेजा है कि जुनेद को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि कुश्ती में मेरा चैलेंज कबूल करे। बादशाह ने उसे दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। अजनबी डगमगाते पैरों से दरबार में हाज़िर हुआ। वज़ीर ने अजनबी से इस्तफ़सार किया कि तुम क्या चाहते हो। अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनेद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वज़ीर ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात ना करो। क्या तुम्हें मालूम है कि जुनेद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है। पूरे शहर में इसके मुकाबले का कोई नहीं और तुम जैसे कमज़ोर शख्स का जुनेद से कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब भी हो सकता है। अजनबी ने कहा कि जुनेद पहलवान की शोहरत ही मुझे खींच कर लाई है और मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि जुनेद को शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना अंजाम जानता हूं, आप इस बहस में ना पड़ें बल्कि मेरे चैलेंज को कबूल किया जाए। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शिकस्त किसका मुकद्दर होती है। जुनेद पहलवान बड़ी हैरत से आने वाले अजनबी की बातें सुन रहा था। बादशाह ने कहा कि अगर समझाने के बावजूद ये ज़िद पर है तो अपने अंजाम का ये खुद ज़िम्मेदार है, लिहाजा उसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ और कुछ ही देर के बाद कुश्ती की तारीख और मुकाम का ऐलान कर दिया गया। पूरे बगदाद में इस चैलेंज का तहलका मच गया। हर शख्स की यह ख्वाहिश थी कि इसका मुकाबले को देखे। तारीख जूं-जूं करीब आती गई, लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। उनका इश्तियाक इस वजह से था कि आज तक उन्होंने तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। दूर दराज मुल्कों से भी सियाह ये मुकाबला देखने के लिए आने लगे। जुनेद के लिए ये मुकाबला बहुत पुरसरार था और उस पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठाठे मारता समंदर शहर बगदाद में उमड़ आया था। जुनेद पहलवान की मुल्कगीर शोहरत किसी तारफ़ की मोहताज न थी। अपने वक्त का माना हुआ पहलवान आज एक कमज़ोर और तवाना इंसान से मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहा था। अखाड़े की तरफ लाखों इंसानों का हजूम मौजूद था। बादशाह वक़्त अराकीने सल्तनत के हमरा अपनी कुर्सियों पर बरा जमा हो चुके थे। जुनेद पहलवान भी बादशाह के हमरा आ गया था। सब लोगों की निगाहें इस पुरसरार शख्स की मंतज़र थीं जिसने जुनेद जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज करके पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमे को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा। ताहम लोग शिद्दत से इसका इंतज़ार करने लगे। जुनेद पहलवान मैदान में उतर चुका था। इसके हामी लम्हा बलम्हा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स इस कमज़ोर और तवाना शख्स को देखकर हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनेद की एक ऊँक से उठ जाए उसका मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं। लेकिन इसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ इस कुश्ती को देखने लगा। कुश्ती का आगाज़ हुआ तो दोनों आमने सामने हुए, हाथों में हाथ डाले गए, पंजा आजमाई शुरू हुई। उससे पहले कि जुनेद कोई
दौड़ लगाकर उस अजनबी को जेर करते। अजनबी ने आहिस्ता से जुनेद के कान में कुछ सरगोशी की। जुनेद के चेहरे का रंग मुतगैर हो गया। बहरहाल कुश्ती का आगाज़ हो गया। अजनबी शख्स और जुनेद पहलवान ने आपस में पंजा आजमाई शुरू कर दी। कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी था। बूढ़े में लगता था कि जवानी लौट आई है। पैंतरे बदले जा रहे थे। दाव पेच के मुजाहरे जारी थे। हजूम का रश व खरोश बढ़ता गया। जुनेद दाव के जोहर दिखाता तो मजमा नारों से गूंज उठता। दोनों बहम गुत्म गुत्था हो गए। यकायक लोगों की पलकें चुपकी। दरकते दिल के साथ आंखें खुलीं तो एक नाकाबले यकीन मंजर आंखों के सामने था। जुनेद चारों शाने चित पड़ा था और बूढ़ा शख्स सीने पे बैठा फतह का परचम बुलंद कर रहा था। पूरे मजमे पे सकता सतारी हो चुका था। हैरत का तिलसम टूटा और लोगों ने ज़ईफ फातह को कंधों पे उठा लिया। मैदान का फातह लोगों के सरों पर से गुजर रहा था। हर तरफ इनामो इकराम की बारिश होने लगी। ज़ईफ फातह पहलवान बेशबहा कीमती इनामात लेकर अपने मस्कन की तरफ चल दिया। इस शिकस्त से जुनेद का वकार लोगों के दिलों से ख़त्म हो चुका था। हर शख्स उन्हें हकारत से देखता गुजर रहा था। जिंदगी भर लोगों के दिलों पे सिक्का जमाने वाला आज उन्हीं लोगों के ताने सुन रहा था। ज़ईफ पहलवान को शाही दरबार से मुकम्मल इनाम इकराम अदा कर दिया गया। ताहम बादशाह वक्त को जुनेद के बूढ़े से शिकस्त हजम नहीं हो रही थी। शाह वक्त ने जुनेद पहलवान को बुला भेजा और शिकस्त के बारे में पूछा गया। जुनेद, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। अपने शाही वकार और अजमत को पाश पाश कर दिया। क्या तुम बिक गए थे? जुनेद खामोश रहे। बादशाह ने ऊंची आवाज में सच बोलने का हुक्म दिया। जुनेद बगदादी ने शाह से दस्तोबस्त अर्ज की। जनाबे वाला, मैं जुर्माना अदा करने को तैयार हूँ, मगर कुछ न पूछे तो बेहतर है। ताहम बादशाह ने सख्ती से हुक्म दिया, सच बताया जाए कि सच क्या है। जुनेद पहलवान ने अर्ज की, हाँ हजूर, मैं जानबूझकर हारा हूँ। ये सच है कि अपने शाही वकार को पाश पाश किया। मुकाबले में हार कर जो बेइज्जती का सौदा किया है, इसके सामने बड़े बड़े रुतबे हीच हैं। आज से पहले इतना काबिल फ़ख्र सौदा कभी नहीं किया। ये तो बहुत ही सस्ता सौदा किया है, जिसका मुनाफा शुमार से बाहर है। मुझे अपनी हार पर कोई शर्मिंदगी नहीं। बादशाह ने तफसील से बयान करने को कहा तो जुनेद ने बताया कि मुकाबले से कबल बूढ़े पहलवान ने मेरे कान में सरगोशी के अंदाज में कुछ कहा था, जिसने मेरे अंदर एक जलजला सा बरपा कर दिया था। उसने मेरे कान में कहा था, ऐ जुनेद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, ज़माने का सताया हुआ हूँ, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। सादात घराने से मेरा तल्लक है। मेरा एक छोटा सा कुनबा कई हफ्तों से फाकों में मुबतला जंगल में पड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे शदीद भूख से बेजान हो चुके हैं। ख़ानदानी गैरत किसी से दस्त सवाल नहीं करने देती। रसूल जादियों के जिस्म पर कपड़े फटे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने इस उम्मीद से तुम्हें कुश्ती का चैलेंज कर दिया है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से अकीदत रखते हो। आज खानदान नबूवत की लाज रख लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आज अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान महशर में अपने नाना जान से अर्ज करके फतह व कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊँगा। तुम्हारी मुलकगीर शोहरत और एजाज की एक कुर्बानी खानदान नबूवत के सूखे हुए चेहरों की शादाबी के लिए काफ़ी है। तुम्हारी यह कुर्बानी कभी भी ज़ाया नहीं होने दी जाएगी। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले मेरे जिगर में उतर गए। मेरा दिल घायल और आंखें अश्कबार हो गईं। सैयदजादे की इस पेशकश को फौरन कबूल कर लिया और अपनी आलमगीर शोहरत, इज्जत और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने में एक लम्हे की भी ताखीर न की। फौरन फैसला कर लिया कि इससे बढ़कर मेरी इज्जत नामूस का और कौन सा मौका हो सकता है कि दुनिया की इस महदूद इज्जत को खानदान नबूवत की
उड़ती हुई खाक पे कुर्बान कर दूँ। अगर बनी हाशम के घराने की मुरझाई हुई कलियों की शादाबी के लिए मेरे जिस्म का खून काम आ सकता है तो जिस्म का एक एक कतरा तुम्हारी खुशहाली के लिए देने को तैयार हूँ। जुनेद इतना कह के खामोश हो गए, बादशाह को भी चुप लग गई। हाथ के इशारे से जुनेद को रुख्सत होने का कह दिया। रात हो चुकी थी, लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। ईशा की नमाज से फारग होकर जुनेद अपने बिस्तर पर लेट गए। उनके कानों में सैयदजादे के अल्फाज बार बार गूंजते रहे। आज वो वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरी लाज रखोगे तो कल मैदान मैशर में अपने नाना जान से अर्ज करूँगा कि फातह कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊँगा। जुनेद सोचता रहा, क्या वाकई ऐसा होगा? क्या मुझे भी शर्फ हासिल होगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से ये ताज मैं पहनूं? नहीं नहीं, मैं गुनहगार इस काबिल कहाँ, लेकिन ख़ानदान नबूवत के शहजादे ने मुझसे यह वादा किया। आले रसूल का वादा गलत नहीं हो सकता। ये सोचते सोचते जुनेद नींद की आगोश में पहुँच चुका था। नींद में पहुँचते ही दुनिया के हिजाबात निगाहों के सामने से उठ चुके थे। एक हसीन ख्वाब निगाहों के सामने था और गुंबद-ए-खज़रा निगाहों के सामने जलवा गर हुआ, जिससे हर सिमत रोशनी बिखरने लगी। एक नूरानी हस्ती जलवा फरमा हुई, जिनके हुस्न जमाल से जुनेद की आंखें खीरा हो गईं। दिल कैफो सुरूर में डूब गया। जुनेद समझ गए, ये तो मेरे आका करीम हैं जिनका मैं कलमा पढ़ता रहा हूँ। और उन कदमों से लिपट गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जुनेद उठो, क़यामत से पहले अपनी किस्मत की सरफराजी का नज़ारा कर लो। नबी जादों के नामूस के लिए शिकस्त की लज्जतों का इनाम क़यामत तक कर्ज रखा नहीं जाएगा। सर उठाओ, तुम्हारे लिए फतह करामत की दस्तार लेकर आया हूँ। आज से तुम्हें अरफानों तकरीब के सबसे ऊँचे मुकाम पर फायज किया जाता है। तुम्हें औलिया कराम की सरवरी का एजाज मुबारक हो। इन कलमात के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनेद पहलवान को सीने से लगाया और इस मौका पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत ख्वाब में जुनेद को कहा, जुनेद को क्या कुछ अता किया इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इतना अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि जब जुनेद नींद से बेदार हुए तो सारी कायनात चमकते हुए आईने की तरह उनकी निगाहों में समा चुकी थी। हर एक के दिल जुनेद के कदमों पर निसार हो चुके थे। बादशाह वक्त ने अपना कीमती ताज सर से उतार कर उनके कदमों में रख दिया था। बगदाद का यह पहलवान आज सैयदना जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पूरे आलम में मशहूर हो चुका था। सारी कायनात के दिल इनके लिए झुक गए थे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।